गुड आफ्टरनून माय ऑल स्टूडेंट। आप लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण आप लोग की पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है। इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एट फर्स्ट हम लोगों को अपना जान बचाना है और फिर पढ़ाई का जरिया ढूंढना है, किस जरिए से हम लोग आसानी से और बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अतः हमने आप लोगों के लिए अलग अलग मोड में पढ़ाई का बंदोबस्त किया। उसमें से एक मोड है कि प्रत्येक टॉपिक को मैं 12th के 11th के प्रत्येक बायोलॉजी के टॉपिक को मैं YouTube चैनल पर दे रहा हूँ। आप इसे बार बार रिपीट करके देखकर सुनकर समझ सकते हैं, इससे आपका पढ़ाई बाधित नहीं होगी। चलिए, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक है स्तनपान। अंग्रेजी में इसको लैक्टेशन कहते हैं, इसको अंग्रेजी में लैक्टेशन कहते हैं। और देखिए, लैक्टेशन है क्या? लैक्टेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा कोई माँ अपनी संतति को अपना दूध पिलाती है। यानी स्तनपान क्या है? माँ द्वारा अपनी संतानों को, अपने नवजात शिशुओं को जो अपना दूध पिलाने की क्रिया होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्तनपान कहते हैं। देखिए, ये डिफाइन करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे आपको दो टॉपिक समझना पड़ेगा। आखिर माँ के शरीर में दुग्ध उत्पादन होता कैसे है, और दूसरा कि यह जो माँ के शरीर से बाहर आता है तो किस समय आता है, क्या इस क्रिया का भी कोई नियमन करता है? तो जैसा आप सोच रहे, बिल्कुल वैसी ही बातें हैं कि माँ के स्तन में जो मिल्क ग्लैंड होते हैं, वहां पर मिल्क बनने की क्रिया का नियंत्रण प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन द्वारा होता है, अर्थात प्रोलैक्टिन को मिल्क प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं। प्रोड्यूसर यानी प्रोलैक्टिन क्या है? मिल्क प्रोड्यूसर हार्मोन है, यानी दुग्ध उत्पादक। प्रोड्यूसर मतलब उत्पादक और मिल्क मतलब दुग्ध, या क्या हो गया? दुग्ध उत्पादक हार्मोन है। जबकि स्तन से दूध का बाहर आने की क्रिया का नियमन नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा। यह क्रिया का नियमन ऑक्सीटोसिन हार्मोन द्वारा होता है। अतः ऑक्सीटोसिन को दुग्ध मोचक हार्मोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? दुग्ध मोचक। इट मीन्स मिल्क रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोलैक्टिन क्या करता है? माँ के स्तन में मौजूद जो मिल्क ग्लैंड है, उसमें दूध बनाने की क्रिया का नियंत्रण करता है, नियमन करता है, अर्थात दूध बनाता है। जबकि ऑक्सीटोसिन शिशु को भूख लगने पर स्तन से दूध को बाहर लाने की क्रिया का नियंत्रण करता है। अब देखिए, ये जो दुग्ध है, ये दुग्ध दो प्रकार के होते हैं। एक जो है वह प्रसव के ठीक बाद स्रावित होती है, जिसे नव दुग्ध, जो प्रसव के ठीक बाद स्रावित होती है, इसे हम लोग नव दुग्ध कहते हैं, या इसको प्रथम दुग्ध कह सकते हैं, या इसे प्रथम दुग्ध कह सकते हैं। जबकि दूसरा जो दुग्ध है वह प्रसव के 3 से 4 दिनों के बाद स्रावित होता है, जिसे वास्तविक दुग्ध कहते हैं। इस दोनों में नवदुग्ध जो है वो वास्तव में प्रसव काल में स्रावित होने वाला और निर्मित होने वाला दुग्ध होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रम COLOSTRUM कोलेस्ट्रम कहते हैं, जबकि इसे मेन मिल्क कहते हैं। तो मेन मिल्क जो है, जिससे शिशु को
एक साल डेढ़ साल दो साल तक पोषण माँ के द्वारा मिलता है, इसे मेन मिल्क कहते हैं, जबकि प्रसव के ठीक बाद जो दूध का स्त्राव होता है इसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। वास्तविक दूध तो उपयोगी होता ही है, ये तो पोषण देता ही देता है, लेकिन कोलेस्ट्रम जो है वो शिशु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रम में शिशु के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रचुर मात्रा में क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लैक्टोज होता है जो कि उसे संपूर्ण पोषण देता है। और सबसे बढ़कर इस कोलेस्ट्रम में प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं जो शिशु को विभिन्न रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा उसके इम्यून सिस्टम को प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत करने का काम करता है। जबकि वास्तविक दूध भी शिशु के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि ये माँ के शरीर के टेम्परेचर से शिशु के शरीर में जाता है, अतः शिशु का ठीक से विकास होता है। अब बात करते हैं उन माताओं की जो शिशु को स्तनपान कराने में कोताही करते हैं, जो शिशु को ठीक से स्तनपान नहीं कराते हैं, तो उनमें मुख्य रूप से स्तन कैंसर की समस्या पाई जाती है, उनमें डिप्रेशन की समस्या पाई जाती है, जो कि एक समय तक टेट चला गया था बच्चे को डिब्बा वाला दूध पिलाने का, फिजिकल फिट रहने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है, यदि हम लोग नेचुरली यदि बच्चे को आप स्तनपान नहीं कराते हैं तो आप ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो सकते हैं। अतः लैक्टेशन इज नेसेसरी फॉर बोथ मदर एंड चाइल्ड, सो लैक्टेशन इज यूजफुल। तो मुझे विश्वास है कि आज का यह टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और आप इसे यूट्यूब पर फेसबुक पर भी पढ़कर समझ सकते हैं। और यदि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा जिससे आप समझ रहे हो, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा जिससे आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए और आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। धन्यवाद।